होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इंस्पेक्टर विजय पांडे मुकेश अग्रवाल को हवाला केस के मामले में हिरासत में ले लेता है। इधर रोशनी, राजीव सिन्हा की बहन, अपने भाई के कत्ल की खबर सुनकर वहां आ पहुंचती है और इस मामले की तह तक जाने का ठान लेती है। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विजय पांडे से होती है, पर वो इंस्पेक्टर पांडे को इस तहकीकात के काबिल नहीं समझती। उसकी भाभी शिप्रा बहुत कोशिश करती है कि रोशनी इस सब में ना पड़े, क्योंकि शिप्रा, जिसे शक है कि उसका पति राजीव सिन्हा दोहरी जिंदगी जीता था, नहीं चाहती कि रोशनी इस राज को जान पाए। उधर रोशनी से हुई मुलाकात और बहस से विजय परेशान है और अपनी इस हालत का रावत को मजाक उड़ाते देख वो गुस्से में आ जाता है। अब आगे। शिप्रा तुम्हारा घर आई? दोस्तों के बीच में कभी एहसान नहीं आता शिप्रा। एनीवे जाओ, तुम थक गई होगी, जाके सो जाओ। तुम क्या कम थके हो? मैंने भी तुम्हारे घर आके आधी रात में तुम्हें परेशान किया। क्या सोच रहे होंगे तुम, कहाँ फंस गया? हाँ शिप्रा, सच पूछो तो मेरी जिंदगी में ऐसे बड़े कम लोग आए हैं जो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, और अगर एग्जैक्ट गिनती करके देखो तो एक, वो भी एक पागल शराबी जिसका नाम रावत। तो दोस्तों की परेशानी मेरे हिस्से में बहुत कम आई, थोड़ी तुमसे ही सही। मुझे अपना दोस्त समझो शुभ्र, अपना शुभ चिंतक। एक बात कहूं? कहो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो विजय पांडे। और एक बहुत ही अच्छा एक्टर भी। चिंता मत करो शिप्रा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजीव के कातिल बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएंगे और सबको पता लग जाएगा कि तुम्हारा राजीव बेकसूर था। रानी जी, क्या हुआ, इतनी रात को आपने बुलाया मुझे? बहुत डर लग रहा है राव। रानी जी, किस बात से डर लग रहा है, क्या हुआ? कुछ बीती बातें याद आ गई थी। रानी जी, जो बातें बीत गई उनसे क्या डरना है? जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं के बाहर होते हैं, जिनकी धार इतनी तेज होती है कि जब इंसान उसमें से गुजर रहा होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि क्योंकि वो अगर उन्हें महसूस करे या उसी वक्त जिए तो शायद बच न पाए, मर जाए। उन बलानखासों को
कुछ सालों बाद ही जीना पड़ता है राहुल। रानी जी, इन यादों के साथ आप अकेले क्यों चूंचते हैं? अपने खौफ, अपने गम मेरे साथ क्यों नहीं बांटते हैं? तुम क्यों बेकार में इस पागल औरत के चक्कर में पड़ रहे हो? जाने दो। रानी जी, ऐसा मत कहिए। I care for you. बताइए मुझे। I insist. मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा राज है ये। Can I trust you? अपने आप से ज्यादा। क्या वो राज है ये जो उस फोटो में छुपा है, जो मिसेस सिन्हा अपने साथ लाई थी, जिसे देखकर आपने झूठ बोल दिया था? हाँ जी। हाँ राहुल, उस रात मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज रात नहीं। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगी। सच तो ये है कि मैं और राजीव सिन्हा एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन दिनों मैं आसाम में थी। मेरे पति शक्ति चौहान कई चाय के बागानों के मालिक थे। वो और राजीव सिन्हा दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त। चुकर चुकर चुकर, भाभी आ गई। लाइए भाभी, मैं आपकी मदद करूं। नो थैंक्स। एक बात बताओ, मेरे सामने तो तुम दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे जाते ही पता नहीं कैसे कैसे मजाक शुरू कर देते हो। कभी कभार हमें भी तो सुना दिया करो अपने ये जोक्स। वो कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, वो कुछ कॉलेज के जमाने की चुहलबाजियां याद कर लेते हैं कभी कभी। कैसी चुहलबाजियां? वो एक पहलवान था, उसे रात को तीन लड़कियों के साथ, मतलब। स्टॉप इट यार, रहने दो भाभी, बहुत ही एक्स रेटेड जोक है, नहायत ही बेहुदा किस्म का। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना ये सब। अच्छा राजीव, ये बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? आज शाम की फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचकर सोने का, और कल सुबह से फिर वही 9 to 5। ये क्या बात हुई भाई, तीन दिन पहले आए हो और आज भागने की बात कर रहे हो? इन वीरान जंगलों में एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। ये बम्बई के बाबू यहाँ क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है भाभी, वाकई में मैंने इस बार का स्टेप बहुत एंजॉय किया। अरे बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये 4 दिनों की छुट्टी मिल पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी का। छोड़ो यार, तुमने तो यहाँ के चाय के बागान तक नहीं देखे। इनफैक्ट तुम तो इन 4 दिनों में कुछ खास घूमे ही नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं जब अगली बार आऊँगा तब सब देख लूँगा यहाँ का। अगली बार कब आएगी कौन जाने। यार तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिनों के लिए बम्बई आ जाओ। बम्बई? और ये लेके चलेंगे मुझे? राम का नाम लो, ये तो कलकत्ता क्या दार्जिलिंग तक नहीं लेके जाते मुझे। बस शादी करके यहाँ लाके बिठा दिया है। जब से डिफेंस मिनिस्ट्री की नौकरी छोड़ी है ना, कहीं आते जाते नहीं। जब देखो तब बागानों में घूम कर चाय पत्ती सूंघते रहते हैं। अच्छा यार बता तो सही, तूने ये डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद शहर आना जाना क्यों छोड़ दिया? नफरत सी हो गई है मुझे शहरों से। अब यहाँ पर चाय के बागान हैं, खुला आसमान है, झरना है, बारिश है और खूबसूरत बीवी का साथ, और कोई जानता भी नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ। तुम्हें गुमनामी पसंद है? I guess you could say that. लेकिन मुझे ताज्जुब है तुम्हें मेरा पता कैसे मिला। यही तो मेरी खूबी है शक्ति, मुझे जिन लोगों की याद आती है मैं उन्हें ढूंढी निकालता हूँ। कोई बातचीत नहीं हुई है। वो घबराने की जरूरत नहीं है। वो मेरा एक पुराना दोस्त था, बिजनेस कंसल्टेंट, आया था चला गया, उससे कोई खतरा नहीं है। इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन, बस इसके
इसके अलावा दूसरा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भेजे हैं उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी डिटेल्स के साथ सब कुछ बताया गया है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की लोकेशंस और वो रेजिमेंट का नाम मत लो। हाँ, ठीक है, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ। वो तुमने देखा नहीं, जिस भयानक गंदी घिनौनी हरकत के काबिल हूं मैं, वो तुमने देखी नहीं। मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना रानी, बस चुप रहना और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा सर फोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी, एक पल की भी झिझक नहीं होगी। गर्दन से अलग करके पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा, एकदम चुप। दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, बाहर मत निकलना, मूव, अंदर जाओ। मैं डर गई थी, मुझे शक्ति से बहुत डर लगने लगा था, उसकी आंखों में हरदम मुझे खून नजर आता था, लेकिन लेकिन उस रात अली, अली मेरी बहन, मेरी बातों का यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानता। सरकार ने उन चारों को गिरफ्तार क्यों किया है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने किसी को डबल क्रॉस नहीं किया है, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सब फैक्स कर दिए, और जितने पैसे दिए हैं आपने उससे कहीं ज्यादा की डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भेजे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बातों पर यकीन करो, जो कुछ मेरे पास था मैंने आपको सब फैक्स कर दिया है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो हमारे किसी काम के नहीं है शक्ति, बहुत पैसे ले चुका है तू अंदर। कितने ज्यादा टॉप सीक्रेट, वो कैसी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले कभी नहीं भेजी थी। हमें और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंटी रडार स्कीम वाले। देखो शक्ति, हमारे चार एजेंट्स भी तुम्हारे गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिए। धर्म से कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरे हिसाब से काफी बातें हो चुकी। नहीं, गुड बाय। नहीं 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 और मैं भागी वहां से रावण बिना कुछ पागलों की तरह नंगे पैर भागती गई, अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस
भागती रही, भागती रही। किसी भी तरह बॉम्बे पहुंची। यहाँ पहुंचकर मैंने अपना सारा पैसा, शक्ति का पैसा अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया और अमीर बन गई। लेकिन यहाँ लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूँ, कपड़ों की तरह मर्द बदलती हूँ। लेकिन राहुल, ऐसा नहीं है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सगा नहीं है, बिल्कुल अकेले हूँ मैं राहुल। और रोज इस एहसास एक गहरे दर्द के साथ जीती हूँ कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उस दौलत पे जो मेरे पति ने मुल्क के साथ गद्दारी करके कमाई है। ये मेरे डायमंड्स, ये सिल्क की साड़ियाँ, ये क्रिस्टल के ग्लास, सब कुछ एक देशद्रोही के पैसों से खरीदी गई है। क्यों ना लोग मुझे चीप समझे, बिकाऊ समझे। अरे मैंने तो बिना कुछ काम किए ये सब लिया है। एक 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 वेश्या भी मुझसे बेहतर है जो कुछ काम करके ये सब पैसे कमाती है। मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया है। मैं तो एक चोर हूँ राहुल, चोर। मैं चोर हूँ राहुल। चोर नहीं है। अरे आपकी जगह कोई और होता तो वही डर के मर जाता। आपने वहां भाग कर कितनी बहादुरी दिखाई है। शक्ति है आप में। इस नए शहर में अकेले रहना आसान नहीं। ये हालात, ये भी तो आपके बनाए हुए नहीं है। जितना प्यार मत दो, इसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं रो पड़ती और ये रोना बंद नहीं होगा राहुल, ये रोना बंद नहीं होगा। रानी जी, रोइए। इतने सालों तक जितनी तकलीफें आपके अंदर पत्थर बन के जम गई हैं, पिघला दीजिए उन सबको। इतना रोइए, आज की आंसुओं को खुद अपने आप पे शर्म आने लगे। रोइए। फिर नहीं सोए वर्मा? सैयद राजीव सिन्हा का केस उलझता जा रहा है। हम उसकी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते। तमाम कोशिश करने के बावजूद हम उसकी बीती जिंदगी छुपा ही नहीं पा रहे हैं। दो कदम आगे तो दो कदम पीछे। और सर, जितनी निशानियां हम मिटाते हैं उससे कई और ज्यादा पैदा हो जाती हैं। रानी चौहान? यस सर, आप रिपोर्ट में देखेंगे रानी चौहान राजीव सिन्हा को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उसे राजीव सिन्हा के बारे में कुछ नहीं मालूम, यह मैं यकीन से कह सकता हूँ। This is not good, Verma. This is not good. राजीव की असलियत को हर मुमकिन तरीके से छुपाना होगा, खत्म करना होगा। लेकिन सर, क्या हमें यह नहीं पता करना चाहिए कि राजीव सिन्हा की हत्या किसने की? बाद में वर्मा, ये सब बाद में। पहले हमें राजीव से ताल्लुक रखने वाली हर निशानी को खत्म करना होगा, इसे मिटा देना होगा। हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है, ये तो तुम जानते हो। और इस काम में किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे भी फौरन हटा देना रास्ते से, वो मर्द हो या औरत। And this is a standing order to carry out at any cost, Verma. ये है रिकॉर्ड रूम, सभी फाइलें यहीं पर हैं। थैंक यू। मैं ऊपर बैठती हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। थैंक यू। July 14th, murder at a party. Rajiv Sinha's murder at Mukesh Agarwal's house has stirred a hornet's nest. Everyone who is anyone is a suspect. Madam? Madam? Madam, patti chal gaye hai, madam. Patti. Madam. Kaun hai? Kaun hai? देखो कौन है।
फोटो जर्नलिस्ट हूँ मैं। जब भाई मारे गए तो यहाँ पर नहीं थी, एंडमन गई थी काम के सिलसिले में। यहाँ तक कि भाभी भी मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई ये बताने के लिए कि भैया का खून हो गया है। पहले मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसका सामना करना ही पड़ता है। मगर मैंने निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मुझे, मैं अपने भाई के कातिल को ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। हाँ, लोग कहते हैं कि तुम क्या करोगे, पुलिस है, ये है, वो है, लेकिन कोई क्यों कुछ करने लगा? शांतनु, यही है वो अखबार की बिल्डिंग, देख रहे हो तुम? देख रहा हूँ। इसका एडिटर अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता है। अच्छा? सब कुछ जानना चाहता है। और एजेंसी की, तुम जैसे एजेंट के लिए ये जगह बहुत जरूरी है, समझ रहे हो तुम? समझ रहा हूँ। क्या यही कि नकली जासूस बाहर है और असली जासूस अंदर? मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, एक नींद में जागते हैं, एक नींद में सोते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं।